नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। इस वीडियो में मैं आपको नए सेव से डायरेक्ट INR में कैसे विड्रॉल करते हैं वो बताऊंगा लाइव, पूरा स्टेप बाय स्टेप कि आपको अगर आप नए सेव से माइनिंग कर रहे हो और आपको अगर आपके बैंक के खाते में इसका पेमेंट लेना है तो आप कैसे करो इसको विड्रॉल करेंगे। अभी मैंने लेटेस्ट यहाँ से विड्रॉल कर लिया, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देख लीजिएगा आप। अभी जस्ट मैंने किए हैं ये, तो इस ट्रांजेक्शन का मैं आपको पूरा वीडियो अभी दिखाऊंगा। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त जो पास में घंटी का आइकन आता उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि भविष्य में मैं कोई माइनिंग का वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम, आप एंड तक ज़रूर से देखिएगा। ISS का अकाउंट है ना, जैसे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वैसे ISS का सॉफ्टवेयर है विंडो में वर्क करता है। इसमें क्या है कि एक्सचेंज और वॉलेट दोनों इनबिल्ट है। जैसे एक्सचेंज होता है वहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसी तरह ISS वालों ने एक्सचेंज के लिए बिटकॉइन इथेरियम वगैरह पूरा इनबिल्ट कर रखा है वॉलेट के अंदर ही। तो जैसे हम ISS के थ्रू माइनिंग करते हैं तो सारा पे आउट हमें बिटकॉइन के रूप में मिलता है, जैसे भी 2,10,780 लगभग बने हुए हैं इसमें। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम विड्रो कर सकते हैं डायरेक्ट अपने किसी इंडियन एक्सचेंज से जहाँ पर हमें बैंक अकाउंट लिंक्ड होता है। जैसे इंडियन एक्सचेंज में वाजीरक्स है, BitBNS है, CoinDCX है, CoinDCX के अलावा 2-3 और है जो पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर वाजीरक्स है। और वैसे माइनिंग सॉफ्टवेयर ISS के अलावा बहुत सारे हैं, जैसे सिंपल माइनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइनर स्टेट है, हाई वॉस है, और भी है, लेकिन विंडोज़ के लिए ISS थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें इनबिल्ट वॉलेट और एक्सचेंज है, तो हमें कोई भी सेटअप नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर रन करना पड़ता है और बेंचमार्किंग करके माइनिंग चालू हो जाती है। बाकी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर में हमें कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी पड़ती है, पूल सेट करना पड़ता है और अपना एड्रेस डालना पड़ता है, फिर वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर हम एड्रेस डालते हैं जिस पूल के अकाउंट में, जिस पूल को हमने ऐड किया उस पूल में हमारा सारा पे आउट जाता है और वहाँ से हमें एक्सचेंज वॉलेट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ISS में सब प्री इनबिल्ट है क्योंकि इसमें एक्सचेंज और वॉलेट सभी ISS के सॉफ्टवेयर के अंदर ही है। ये पूरा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हमें वर्कर दिख जाते हैं सारे ये, और ये पूरा वॉलेट है और एक्सचेंज भी यही है। जैसे हम इसको डेस्कटॉप मोड पे ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे बिटकॉइन को जितना बिटकॉइन में पे आउट है उसको हम कन्वर्ट करके रिपल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्टेलर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ से हम विड्रॉ कर सकते हैं फिर किसी भी कॉइन को, जैसे इंडियन एक्सचेंज में वाजीरक्स में। तो मैं लाइव करके दिखाता हूँ, जैसे भी बिटकॉइन विड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये सारे मैंने एड्रेस ऐड कर रखे हैं विड्रॉ के, और वो वाजीरक्स का है जैसे ये वाला, तो मैक्सिमम पे आउट, मिनिमम पे आउट 0.0 1,87,000 के आसपास है लगभग। तो अभी 2,10,287,000 8,000 के पड़ रहे हैं, तो प्रीव्यू करके देख लेते हैं। फीस इसमें कुछ इतना सही ज़्यादा नहीं है, कमी फीस बहुत कम। अगर आप बिटकॉइन इसमें क्या है कि फ़ायदा ये है कि फीस बहुत कम लगती है, अदर वॉलेट में अदर एक्सचेंज में आप अगर बिटकॉइन को विड्रॉ करोगे तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, लगभग 1,500-2,000 के आसपास फ़ीस लग जाती है, यहाँ पर फीस बहुत कम है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ से बिटकॉइन को विड्रॉ कर सकते हो। मैंने पहले सेटअप कर रखा था इस वजह से इसने कुछ नहीं पूछा, तो अब ये थोड़ी देर में मेरे वाजीरक्स के अकाउंट में चला जाएगा। वाजीरक्स का अकाउंट ये बताता हूँ, ये रहा अभी वहाँ पर विड्रो सक्सेसफुल दिखाएगा, तब यहाँ पर ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में दिखाएगा।
अभी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन है, ये पिछली ट्रांजेक्शन अभी इसको नहीं हो रही है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो जाएगी जब यहाँ पर सक्सेसफुली पेंडिंग में दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक इसको थोड़ा टाइम लगता है, 24 आवर्स लिखा हुआ लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। यहाँ तो चलो पेंडिंग दिखा रहा है अभी, वजर एक्स पे देखते हैं। चलो ठीक है, वजर एक्स पे प्रोसेसिंग बता रहा है 4 कन्फर्मेशन होते ही बिटकॉइन यहाँ पहुँच जाएगा ना, जैसे बिटकॉइन यहाँ पहुँचा वॉलेट में शो हो जाएगा। यहाँ पर वजर एक्स के वॉलेट में आने के बाद हमें क्या करना, मार्केट में जाना है। मार्केट में बहुत सारे पेयर है, ऊपर INR पेयर में ये सारे कॉइन है, USDT पेयर में इतने सारे कॉइन है, तो हम जिस पेयर में हमें सेल आउट करना है उसी पेयर में हम बिटकॉइन को बेचेंगे। अदर पेयर और भी है, वजर इसका कॉइन है, बिटकॉइन है, P2P है, बिटकॉइन पेयर में हम बिटकॉइन हमारे पास आएंगे तो हम ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं, और हमारे पास USDT में बेचेंगे तो USDT से हम ये सारी चीज़ें वापस खरीद सकते हैं। तो हमें तो बेचना है, तो जैसे ही बिटकॉइन यहाँ आ जाए बेचना है और बैंक में पैसे लेने हैं, तो हमें बिटकॉइन मिलेगा तो बिटकॉइन को हम यहाँ से सेल आउट कर देंगे। जैसे सेल कर देंगे, अभी आया नहीं, जैसे यहाँ हाईएस्ट प्राइस जो अभी मार्केट में चल रही है बाय सेल पे, और 100% सेल करना है, इस पर क्लिक करके सेल कर देंगे। अभी बिटकॉइन आया नहीं है तो नहीं होगा सेल, क्योंकि थोड़ा बहुत पड़ा है पहले से। सेल करते ही ये सारा अमाउंट हमारा चला जाएगा वॉलेट में, INR वॉलेट में यहाँ पर इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ऑसम कंटेंट, तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, ट्रांजेक्शन ये वाली कंप्लीट हो चुकी है, अभी जस्ट रिसीव हुआ अभी है। ये चारों कन्फर्मेशन ब्लॉकचेन में कन्फर्म होते ही पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वहाँ से बिटकॉइन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है अभी। और ये देख लीजिए, यहाँ पर 9785.14 समथिंग दिखा रखा है। कभी कभी क्या है कि NYSE और वजर एक्स पे बिटकॉइन की रेट में थोड़ा चेंजेस रहता है, इसे आर्बिट्रेजिंग कहते हैं। मतलब आर्बिट्रेजिंग का मतलब होता है कि अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग बिटकॉइन की रेट, जैसे अलग अलग मंडियों में अलग अलग गेहूँ के भाव होते हैं, वैसे बिटकॉइन की रेट में अलग अलग जगह अलग अलग रेट रहती हैं। तो जैसे NYSE पे इंडियन एक्सचेंज पे अदर इंटरनेशनल एक्सचेंज से भाव ज़्यादा ही रहता है थोड़ा बिटकॉइन का, तो आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होता है। तो ये बिटकॉइन आपको यहाँ आ गया है, अब हम इसको सेल आउट करते हैं। हमारे पास 2,18,858 टोटल 787 है, इन सारे 787 को हम INR पेयर में सेल आउट करेंगे। तो 9,758 रुपये बन रहे टोटल, 2,18,787 बिक जाएंगे, बाकी बचे हुए रह जाएंगे। तो ये टोटल 787 हमारे बिक गए, और ये अभी सेल ऑर्डर लगा है, ऑर्डर को देख लेते हैं। ओपन ऑर्डर नहीं दिखा रखा है, एक सेकेंड, ऑर्डर ओपन दिखा रखा है अभी, तो हम इसको वापस कैंसिल करके वापस सेल करते हैं। कभी क्या, जो हमने ऑर्डर लगाया जिस प्राइस पे, उस प्राइस पे अगर कोई बाई करने वाला नहीं है तो हमारा सेल नहीं होगा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कितनी प्राइस पे ऑर्डर लगा रखा है किसी ने। तो जैसे अभी इतना बिटकॉइन इस रेट पे बाई लगा रखा है, इस पे सेल लगा रखा है, तो अगर हम इन दोनों के अंदर अगर कोई भी बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा बिकेगा नहीं। तो हम इस पे जो लेटेस्ट है इस पे 100% सेल आउट लगा लेते हैं। अभी एक सेकंड में बिक जाएगा, ये तो चेंज हो गया, कोई नहीं, ट्राई करके आई एस पे लगा लेंगे तो अभी वो वाला बन जाएगा। ट्राई करके देख लेते हैं, अगर ऑर्डर लगता नहीं लगता, अपना ऑर्डर लग गया, यहाँ पर सेल में लग गया।
अगर इस ऑर्डर पे कोई इस प्राइस पे कोई अगर ख़रीदने वाला मिलेगा तो अभी अपना ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। देखो अपना ऑर्डर अभी मैं ओपन ऑर्डर में दिखा देगा, इतना परसेंट तो हमारा सेल आउट हो चुका है, लेकिन अभी 44,71,000 रुपये कोई बाई लगाएगा यहाँ पर तो अपना सारा ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। नहीं भी हो तो आप कैंसिल करके 44,70,000 रुपये पे बाई कर सकते हो, सेल ऑर्डर लगा सकते हो तो तुरंत बिक जाएगा। बाकी हो गया अपना ना अपना ऑर्डर क्लियर हो गया, तो अपने जितना भी सेल आउट किया बिटकॉइन वो अपने INR पेयर में आ गया, तो अब इसको हम विड्रॉ कर लेंगे। इंस्टेंट विड्रॉ नेफ्ट, नेफ्ट में ज़्यादा अमाउंट हो आपके पास करोड़ों में तब करो, वरना इंस्टेंट विड्रॉ यूज करो। और यहाँ से रिमार्क में जैसे वाजेस डाल दो, ओजीरक्स में आपको आपका बैंक अकाउंट वगैरह आपको सभी को पहले से ही ऐड करना पड़ता है। तो जब आप ये करते हैं तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, उस OTP को हमें यहाँ पे डालना पड़ता है। OTP वेरिफिकेशन के बाद ईमेल वेरिफिकेशन और होता है, अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब तक हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होएगा, तो दोनों स्टेप करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ईमेल वेरिफिकेशन मांग रहा है, मेल आता है वाजरेक्स का अटी 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 सर कमी बोल दो तो करी। ये मेल आ गया वजीर इसका कंफर्मेशन के लिए, अगर ये मेल पे हम कंफर्म नहीं करेंगे तब तक ट्रांजैक्शन पेंडिंग में रहेगी, बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो अप्रूव करने के बाद हम जैसे अप्रूव करेंगे हमारा जो बिटकॉइन हमने सेल आउट करके विड्रॉ किया वो तुरंत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया अप्रूव में, तो अब जैसे बैंक का मैसेज आएगा तुरंत। इस तरह आप किसी भी एक्सचेंज में कर सकते हो, लेकिन अगर एक्सचेंज आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड नहीं है तो आप बैंक में नहीं ले सकते हो पैसा। जैसे आप अपहोल्ड वगैरह बेट ब्राउजर के रिवार्ड लेते हो अपहोल्ड में, तो अपहोल्ड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो अपना इन ISS वाला बिटकॉइन, लेकिन अपहोल्ड से आप डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते हो। आपको उसके लिए एक्सचेंज इंडियन एक्सचेंज चाहिए जो बैंक से कनेक्टेड है। तो सबसे बेस्ट अभी वाजीरक्स है, BitVNS है, कॉइन DCX है, यूनो कॉइन है, जेब पे है, ये सब टॉप एक्सचेंज इंडिया के और भी है, लेकिन इन ये सब पुराने और ट्रस्टेड एक्सचेंज है। तो आप इनमें किसी भी से भी अकाउंट बना के किससे भी विड्रॉ कर सकते हो। और माइनिंग सॉफ्टवेयर के लिए विंडोज़ के लिए सबसे बेस्ट NiceS माइनस सेट दोनों है। और NiceS में क्या किया, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, बस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया चालू कर दो बस काम, बाकी में आपको पूल वगैरह सेटअप करना पड़ता है, पूल सेटअप करना पड़ता है, वर्कर बनाना पड़ता है, इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं। इसमें एक्सचेंज और वॉलेट सब प्री बिल्ड है, तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, बेंचमार्किंग की और माइनिंग स्टार्ट करनी है। ये देखिए बैंक का मैसेज आ गया डिपॉजिट का, क्रेडिट हो गया अमाउंट। तो इस तरह आप माइनिंग रिवार्ड को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, माइनिंग सॉफ्टवेयर, पूल बनाना, वर्कर बनाना, पूल स्विच करना, किसी से भी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, मैं आपको बना के बता दूंगा, माइनिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी कि हम कैसे विड्रॉल करते हैं।
वाजेट से कैसे विड्रॉल करते हैं INR में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास आए हुए घंटे का आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको ज़रूर से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शंका आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करने की। तो आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं।